अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ आमिर शाह। वेलकम टू द सी शार्प ट्यूटोरियल नंबर 42। फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में हम डिस्ट्रक्टर्स पढ़ेंगे। डिस्ट्रक्टर्स कैसे बनाते हैं और क्यों बनाते हैं, ठीक है जी। तो डिस्ट्रक्टर्स जो हैं, हम बिल्कुल कंस्ट्रक्टर की तरह ही बनाते हैं। जैसे कि कंस्ट्रक्टर में हम क्लास का नेम यूज़ करते हैं, इसी तरह से हम डिस्ट्रक्टर में भी क्लास का नेम ही यूज़ करेंगे। तो आगे मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा। पहले हम एक क्लास बनाते हैं। मैं क्लास जो है ऊपर बना रहा हूँ। तो क्लास का हम नेम देते हैं डेमो, ठीक है जी। इस डेमो क्लास के अंदर हम एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। आपको बताया था मैंने कि कंस्ट्रक्टर हम कैसे बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए पब्लिक होना लाजमी होता है, मैंने कहा था, और क्लास का नेम होता है जिसमें हम कंस्ट्रक्टर बनाना चाहते हैं, ठीक है जी। ये हमारा कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे मैं कंसोल करवाता हूँ। कंसोल डा राइट लाइन यहां पे देते हैं कंस्ट्रक्टर, ठीक है। प्रोग्राम को सेव करते हैं 42.cs। ये है हमारा कंस्ट्रक्टर। अच्छा, अगर अब हम इस क्लास का डिस्ट्रक्टर बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। डिस्ट्रक्टर में क्या होता है, डिस्ट्रक्टर में हम ना ही एक्सेस मॉडिफायर देते हैं जैसे कि हमने पब्लिक दिया था, या प्राइवेट, ठीक है जी। हम दोनों में से कोई भी यूज़ नहीं करते, मतलब हम एक्सेस मॉडिफायर नहीं यूज़ करते। उसके अलावा डिस्ट्रक्टर में हम रिटर्न टाइप भी यूज़ नहीं करते। डिस्ट्रक्टर जो हमारा होता है वो कभी इनहेरिट भी नहीं होता, ओवरराइड भी नहीं होता। डिस्ट्रक्टर तो हम कैसे बनाते हैं, डिस्ट्रक्टर के लिए हम ये टिल्ड की साइन देते हैं। सबसे पहले ये साइन जो एस्केप के बटन के नीचे है, शिफ्ट को प्रेस करके आप उस एस्केप के नीचे वाली जो है की उसको प्रेस करेंगे तो ये साइन आ जाएगी, इसको हम टिल्ड कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आप डायरेक्टली क्लास का नेम देंगे और एम्प्टी पैरेंथेसिस, उसके बाद ब्रैकेट। इस ब्रैकेट के बीच में आप जो भी कोड देंगे वो कोड जो है हमारा डिस्ट्रक्टर का कोड कहलाएगा। अच्छा, अब सवाल आता है कि भाई हम डिस्ट्रक्टर्स क्यों बनाते हैं, क्या इनका यूजेज है। देखिए, हम जो यहाँ पे वेरिएबल्स बनाते हैं, या हम जो के यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल्स या ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, इनकी जो है लाइफ होती है, इनका स्कोप होता है, ठीक है जी। आफ्टर एग्जीक्यूशन जब हमारा प्रोग्राम रन हो जाता है तो उनका स्कोप जो होता है या लाइफ जो होती है वो पूरा हो जाता है। जैसे कि हमारा पास एक रेफरेंस वेरिएबल होता है, वो भी कुछ वक्त तक होता है, कुछ कोडिंग के लिए होता है। जब वो कोड एग्जीक्यूट हो जाता है तो हमारे पास जो रेफरेंस वेरिएबल या ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है जी, उनकी कोई भी हमारे प्रोग्राम में अहमियत नहीं रहती। उनके पास जो डेटा होती है वो लूज हो जाती है, मतलब लॉस हो जाती है। तो हम जो है डिस्ट्रक्टर इसीलिए बनाते हैं, हम डिस्ट्रक्टर में वो कोड देते हैं जो कि हम चाहते हैं कि भाई अगर हमारा जो है ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो लॉस हो जाए, उसकी लाइफ पूरी हो जाए, उसके बावजूद भी हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो, तो हम उसके लिए डिस्ट्रक्टर बनाते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, हम डिस्ट्रक्टर्स तभी बनाते हैं जब हम अपनी कोडिंग की जो है कोडिंग का जो रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट, उसके बावजूद उस कोडिंग उस जो रिसोर्सेज को क्लीन अप करके जो हम कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो हम जो है अपने डिस्ट्रक्टर्स में इंक्लूड करते हैं। हम अपने डिस्ट्रक्टर को कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि हम अपने
कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, अपने मेथड्स को कॉल करते हैं, इसी तरह से हम अपने डिस्ट्रक्टर को कभी भी कॉल नहीं करते हैं। यह डायरेक्टली ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्टर से कॉल किया जाता है। मतलब हमारा कंस्ट्रक्टर जो है वो पहले एग्जीक्यूट होता है, लाजमन ज़रूरी है, और उसके बाद हमारा डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पे मैं स्टेटमेंट देता हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन डिस्ट्रक्टर। अब मैं चाह रहा हूं कि ये जो मेरा कोड है डिस्ट्रक्टर वाला, ये लाजमन एग्जीक्यूट हो। ठीक है जी, तो प्रोग्राम को सेव करते हैं और रन करते हैं। चेंज द डायरेक्टरी, चेंज द डायरेक्टरी टू द प्रैक्टिस फोल्डर, सी शार्प कंपाइलर 42, कोई भी एरर नहीं। अब प्रोग्राम को रन करते हैं। अच्छा, आउटपुट नहीं आया, क्यों नहीं आया देखते हैं। अच्छा सॉरी, हमने जो है ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है अपने कंस्ट्रक्ट अपने क्लास का, तो सबसे पहले वो करते हैं, यहाँ पे मेन मेथड पे आ जाते हैं और यहाँ पे डेमो ओप इक्वल्स न्यू डेमो। ठीक है जी, अब प्रोग्राम को हम जो है कंपाइल करते हैं, कोई रन करते हैं। देखिए कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। अब मैंने क्या कहा कि भाई हमारा जो डिस्ट्रक्टर होता है वो बाद में एग्जीक्यूट होता है, पहले हमारा जो है कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है। आइए इसको प्रूव करते हैं। देखिए हम जो बार बार हम जो बेसिक्स से बिगनिंग से जो प्रोग्रामिंग करते आए, यहाँ पे जो कंपाइलेशन हो रही है वो सिक्वेंशियल कंपाइलेशन हो रही है। मतलब स्टेटमेंट स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, सबसे पहले जो स्टेटमेंट होगी वही पहले कंपाइल होगी, वही पहले एग्जीक्यूट और डिस्प्ले होगी। ठीक है जी, उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट होगी वो बाद में कंपाइल होगी और एग्जीक्यूट और डिस्प्ले होगी। उसका हम एग्जाम्पल करेंगे। अच्छा जी, पहले उसका एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पर आते हैं, मैं यहां से कोडिंग को कॉपी करता हूं और यहां पे पेस्ट करके ये एग्जाम्पलीफाई कर रहे हैं कि एक हमारी स्टेटमेंट पहले कौन सी एग्जीक्यूट हो रही है। मैं कह रहा हूं जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है पहले कंपाइल करके एग्जीक्यूट होती है और रन होती है। अब देखिए जी, मैं दो कंसोल स्टेटमेंट देता हूं, कंसोल डॉट राइट लाइन इसको कॉपी पेस्ट करते हैं और यहां पे देते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है जी, और यहां पे आते हैं सेकंड स्टेटमेंट। अब इस प्रोग्राम को सेव करके रन करते हैं। सेव करते हैं डेमो के नाम से डॉट सी एस। अब कंपाइल करते हैं, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ डेमो, कंपाइल किया कोई भी एरर नहीं। अब रन करते हैं, सॉरी देखिए सेकंड स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, हमारी जो पहले वाली स्टेटमेंट थी वो पहले एग्जीक्यूट हुई और पहले रन हुई। लेकिन मैंने क्या कहा कि यहाँ पे हमारे पास जो है पहले कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है और बाद में जो डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है। ठीक है जी, और उसका हमने जो है जब इसको देखा कि हमारा हमने जब इसको रन किया तो हमारे पास आउटपुट क्या आया, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर, पहले कंस्ट्रक्टर आया बाद में डिस्ट्रक्टर आया। ठीक है जी, अब हम डिस्ट्रक्टर को जो है पहले एग्जीक्यूट करवाते हैं कंस्ट्रक्टर से। ठीक है जी, उसके बाद में हम कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करवाते हैं। ठीक है जी, देखें तो पहले कौन क्या कंपाइल होता है क्या एग्जीक्यूट होता है।
मैंने कहा है कि हमारा जो है कंस्ट्रक्टर पहले एग्जीक्यूट होता है और डिस्ट्रक्टर बाद में, तो मतलब मेरे कहने के मुताबिक जो आउटपुट आना चाहिए कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर वही आउटपुट जो पहले आया था, डिस्ट्रक्टर एंड कंस्ट्रक्टर नहीं आना चाहिए, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर आना चाहिए और यही आएगा। देखिएगा सेव किया मैंने प्रोग्राम को, कंपाइल करते हैं, कंपाइल्ड सक्सेसफुली और रन करते हैं। देखिए जी कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, तो हमें पता चला कि हमारा जो डिस्ट्रक्टर की कोडिंग होती है, कंस्ट्रक्टर के बॉडी में जो हम कोडिंग करेंगे स्टेटमेंट देंगे वो एनी हो एग्जीक्यूट होंगी, तभी वो एग्जीक्यूट होंगी जब जो है क्लास का, हमारे क्लास का ऑब्जेक्ट जो है उसका स्कोप एंड हो जाएगा और बाद में हमारा डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा डिस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है और हम डिस्ट्रक्टर क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। अब अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन आप तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल्स पसंद आ रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।